जनता पार्टी में कैसे काम होता है, क्या सोच होती है, इसको लेकर बहुत माथापच्ची, बहुत अटकलें भी होती हैं, कुछ सच्ची झूठी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अपना पक्ष जनता के बीच में रखने के लिए बुद्धिजीवी सम्मेलन में जाना, युवा सम्मेलनों में जाना, महिला सम्मेलन करना, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित भाई, जेपी नड्डा जी, राजनाथ जी, सारा नेतृत्व पार्टी के हर काम में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल होते हैं और पार्टी जहां उनकी ड्यूटी लगाती है। लेकिन ये बताइए कि क्या आज की तारीख में अगर सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न, सबसे प्लान्ड पार्टी कोई होगी तो आपके टक्कर में आपको कोई दिखता है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, कभी अटल जी अडवाणी जी कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस, उन्होंने उसकी नींव रखी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उस नींव को और तराशा है और पार्टी विद डिफरेंस हर चीज में दिखती है। जनता के पास पहुंचना और जनता की नब्ज को समझना, हमारे पार्टी के संगठन के लोगों ने उसको इस ढंग से बनाया है और उसको आगे बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेखूबी किया है। जनता पार्टी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आप या फिर आलोचना? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है। बहुत बड़े बड़े संगठन शास्त्री महर्षि जो थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली को गढ़ा है और उस कार्य प्रणाली को तराशने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित भाई ने, नड्डा जी ने उसको और तराशने का काम किया है। पार्टी निरंतर काम करे, केवल चुनाव नहीं, सेवा के काम, पार्टी निरंतर संगठन को मजबूत करने के काम करती रहे। यानी कि न तो जश्न मनाने के लिए रुकते हैं और न ही दुख जताने के लिए। ऐसा है कि दुख का तो प्रश्न नहीं है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से लिखते हैं। शायद हम लोगों की प्रेरणा इसलिए ज्यादा अच्छी रहती है कि देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, उनको देख के लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं। नहीं, लेकिन जैसे ये पंजाब का नक्शा पीछे है, यहाँ पर तो दुख हुआ ना? ऐसा है कि प्रश्न दुख का नहीं है, प्रश्न ये है कि हमने पूरी मेहनत से, निष्ठा से काम किया, फल देना भगवान का काम है। जी, ये प्लानिंग क्या होती है, क्या होता है इलेक्शन वॉर रूम में? ऐसा है कि बहुत बड़ा शब्द है इलेक्शन वॉर रूम में, लेकिन जो काम यहाँ हम कार्यालय से करते हैं वो प्रवास बनाने का काम, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का कैंपेन के अंदर जाना, कैसे जाना, उसकी प्लानिंग, नीचे से जो प्रपोजल आनी है उस प्रपोजल को नीचे उसकी पूर्ति करना, शीर्ष नेतृत्व वहाँ पहुँचे और शीर्ष नेतृत्व को सुनकर लोग, जो वोट हमारा है वो और ज़्यादा बढ़े, इसका प्रयास हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बड़ा नेता है, हमारे पास रणनीति बनाने के लिए अमित शाह जी जैसा एक ब्रिलियंट ब्रेन है, हमारे पास संगठन शास्त्र का एक पूरे तरह से संगठन को समर्पित राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम है, जो सब लोग मिलकर एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री तक सभी लोग इस तरह से डाले गए हैं कि हमें एक ही चीज आती है, वो है काम। सबको ऐसा लगा कि पिछले चुनावों में आप लोगों ने जितनी सीटें हासिल की वो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है, पर ये आपका विश्वास है या अति आत्मविश्वास जो कभी कभी कहा जाता है कि आप 400 के लक्ष्य को देख रहे हैं? ऐसा है कि आप एक बात समझिए, जब जब देश के अंदर कमजोरी आई है और जहां भाजपा मजबूत हुई है वहां राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, वहां देश मजबूत हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से सोचने वाला दल है जिसकी बेस में हर कार्यकर्ता को गुड़ती में पिला दिया जाता है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और आप अपने आप को तीसरे नंबर पर गिन के चलिए। पर क्या एक साल पहले तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, 2024 का ब्लूप्रिंट तैयार है? ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर एक जो सबसे बड़ा काम किया है, परफॉर्मेंस के नाम पर वोट मांगा है। उन्होंने जात के नाम पर वोट नहीं मांगा, किसी कास्ट के, किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो 2014-26 में की शपथ से लेकर 2019 तक
पूरे 5 साल अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, और परफॉर्मेंस जिसके अंदर देश के हर कोने में परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे गए। और मेरे को याद है जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित भाई ने शपथ ली थी, या उनका जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा था कि ये भाजपा का, जो लोग सोच रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, ये लास्ट स्टोन नहीं है, ये माइल स्टोन है। और वही हुआ, हम 302 आए। प्रधानमंत्री का नाम आपने कहा, उनका नाम, काम, ये सारी चीजें तो वो हैं जो एक तरह से जनता को प्रेरित कर सकती हैं वोट डालने के लिए बीजेपी के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप क्या उस समय हर जगह वहां कंप्यूटर पर भी आपके एक पेज खुला हुआ देख रही हो जहां पर समय और तारीखों का ऐलान है, यहां भी है, यहां पर नक्शे हैं, हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे तैयारी ही के मोड में, ऐसे कि लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग हमारे नेतृत्व को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इतना बड़ा परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा है, वो कैसे काम करता है। लोगों के मन मन के प्रति श्रद्धा भी है और विश्वास भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जनता का ये भाव है, इस भाव को जोड़ने का काम पार्टी करती है कि हमारा नेतृत्व जनता के बीच में जाए, उसका आयोजन सभा के द्वारा, रैली के द्वारा, वो करने का काम पार्टी करती है। और उसके लिए प्लान करना हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम से लेकर स्टेट टीम तक, और स्टेट टीम के बाद केंद्रीय टीम तक, वो सब प्रस्ताव आते हैं और फिर हमारी टीम बैठकर अपने बड़ों से परामर्श करके उन नेता, हमारे नेता वहाँ जाते हैं, बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं एक एक चीज़। ऐसा कि मैनेजमेंट हम सब हमारी पार्टी की गुड़ती में है, मैं होता यहाँ या मेरी जगह कोई भी बैठा होता, तो मैनेजमेंट हमें काम करते ही ये सिखाई जाती है कि पूर्ण योजना और पूर्व योजना, पहले निर्णय लो और निर्णय जो लिया है उसे पूरा करने की योजना पेपर में पूरी करो और फिर आपकी जमीन पे पूरी होगी। तकनीकी तौर से पार्टी बिल्कुल दुरुस्त है, मतलब हर चीज ऐप पर नजर आता है। ऐसा कि ऐप का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग जब से बड़ा है देश का काम भी बड़ा है। अब देखिए, एक जमाना था राहुल गांधी के पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 14 रुपये गांव में, झोंपड़ी में पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटलाइज करके, पारदर्शिता लाकर, जीरो टॉलरेंस और करप्शन पर पूरा पहरा देके, आज हम छाती पर हाथ रख के कहते हैं कि दिल्ली से 100 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति को 100 का 100 ही मिलता है। हम ये डिजिटलाइजेशन का प्रयोग हर फील्ड में बढ़ना चाहिए और आज बड़ा भी है और पार्टी ने भी उसको अपनाया है। आज हमारे पास कार्यकर्ताओं का डिजिटल रिकॉर्ड है, हमने पहली बार अमित भाई के समय में डिजिटल मेंबरशिप की और आज पार्टी उसको और आगे बढ़ाते हुए ऑफिस बेरर्स के पास ऐप होनी चाहिए, ऑफिस बेरर ऐप के माध्यम से पार्टी के काम को समझें, नमो ऐप के माध्यम से सरकार की पॉलिसीज को समझें। आपके फोन में पार्टी के ऐप्स भरे पड़े, आप किसी से भी एक टैप पे संपर्क कर सकते हैं। आज पार्टी ने ये सिस्टम बनाया कि सरल ऐप के माध्यम से हम पार्टी के कैडर के साथ संपर्क में रह सकते हैं और नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रोग्राम, उनके योजनाएं, उनके द्वारा डेली किए जाने वाले काम,